हेलो गाइज, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवन सर सबको सीखो जानो यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो उसको जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइज, कैसे हैं आप सब? चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो यहाँ पर साफ बात इतनी सी है कि आपने ओला का पेमेंट करने की कोशिश किया है। काफ़ी बार जो भी फाइनल पेमेंट की विंडो ओपन हुई है आप कोशिश किए हैं, ईएमआई वाले ऑप्शन को चूज किए हैं और वो ऑप्शन कंप्लीट कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं हो चुका है। फाइनेंस ऑप्शन पर ऑलरेडी रुका हुआ है और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई का सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन को लेकर के, काफ़ी लोग परेशान हैं और यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो जिन लोगों ने भी लगभग चूज किया है फाइनेंस ऑप्शन, उसमें से मेरे हिसाब से लगभग 90% लोग का यही हाल है कि वो लोग परेशान हैं। अब 10% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ईएमआई वाला ऑप्शन चूज किया होगा और उनको ऑलरेडी उनका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन हो चुका होगा। तो जिन लोगों ने ईएमआई वाला ऑप्शन चूज किया है, लगभग मेरे हिसाब से, मैं देख रहा हूँ जितने मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं और जितने कमेंट आ रहे हैं, जितना ईमेल पे मैसेज आया उस हिसाब से मुझे यही लग रहा है। और अगर ट्विटर पे जाकर देखेंगे तो वहाँ भी यही पता चलेगा। मैं बाकी लोगों का यहाँ पर साइड में मेंशन भी कर दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिन लोगों ने ईएमआई वाला ऑप्शन चूज किया उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है वो ओला के तरफ से नहीं आ रहा है और कुल मिलाकर के यहाँ पर उनका जो है काफ़ी डिले होने वाला है। तो जिन लोगों ने भी ये वाला ऑप्शन चूज किया है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है इतना महंगा होने के बावजूद भी लोग ईएमआई वाला ऑप्शन ऑलरेडी चूज कर रहे हैं, जबकि इनका जो स्कूटर है वो 1,80,000 के आसपास कहीं चला जाएगा, कहीं 1,70,000, 60,000, कहीं 1,90,000 के आसपास चला जाएगा अगर ईएमआई वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो। और इतना ज़्यादा महंगा होने के बाद भी कस्टमर के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं ओला को लेकर के, लेकिन जो ओला यहाँ पर काम कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ओला को भी कुछ अच्छा करना चाहिए अपने कस्टमर के लिए ताकि लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर एक बात बताऊं, आपको लगता होगा कि ओला अभी सही कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ें कही गई वो बिल्कुल भी किसी को मिली नहीं है। अपडेट मानता हूं जून में मिल जाएगा, अब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बात कहने की है ना, क्योंकि आज तक जो कुछ भी ओला कंपनी ने कहा है कभी किया नहीं है। तो ये शुरू में ये चीज़ नहीं बताया कि सारा कुछ हम लोग नहीं देंगे, पहले स्कूटर ऐसे ही देंगे फिर बाद में अपडेट करेंगे। ऐसा कहे होते तो उसके हिसाब से सोच के आदमी बुकिंग करता, फिर बाकी सारा जो फीचर्स था उसके हिसाब से बहुत सारा कुछ यहाँ पर ओल स्कूटर में अभी भी मिस आउट है और ये सब प्रॉब्लम है। अभी जस्ट एक प्रॉब्लम पे वीडियो मेरी आने वाली है तो उसको प्लीज़ एक बार आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ फाइनेंस वाला ऑप्शन की बात करूँ तो जिन लोगों ने भी चूज किया है उनको मैं बता दूँ अच्छे तरीके से, वो इस बात को तो हम दिमाग में रख लें कि क्या सिस्टम है। अब यहाँ से आपको सुनने की बात है, तो अगर आपने फाइनेंस वाला ऑप्शन चूज किया तो इनका जिन लोगों से भी ये फाइनेंस लिए उनसे जो कुछ भी इनका सिस्टम हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनका जो फाइनेंस वाला ऑप्शन है वो चूज करने के बाद इनका जो लोन का ऑफर है वो एलिजिबल कर रहे हैं तो लेने के बाद भी लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब लोन अप्रूव नहीं कर रहे हैं। जिनका अप्रूव हो जा रहा है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है, अप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अब इन दोनों दोनों लोग के आपस में मिली भगत है क्या है कुछ पता नहीं, क्योंकि ओला ने चूज किया ना इन लोगों को कि ये बैंक हमें इनका हमारे स्कूटर का फाइनेंस करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ साठ गांठ तो है इनके बीच में। तो ये वाला ऑप्शन है, कस्टमर एकदम बिल्कुल मजबूर होकर के परेशान होकर फिर क्या करेगा, कहीं और से लोन लेकर के यहाँ से कैंसिल करके क्या कर देगा, फुल पेमेंट करेगा। तो कंपनी कुल मिला के चाहती है कि आप उनको फुल पेमेंट करिए, तो ये यहाँ पर पूरा प्लान है। तो आपको फुल पेमेंट करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, कंपनी ये चाहती है कि आप उनको कैसे भी करके फुल पेमेंट कर दीजिए, आप फाइनेंस वाला ऑप्शन न चूज, इसीलिए उनको काफ़ी दिन किया जा रहा है। अब मान लीजिए आपने चूज ही कर लिया तो पैसे आपके नहीं फंसे, कुछ लोग लगता है पैसे फंस जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपके पैसे नहीं फंसेंगे, लेकिन यहाँ पर बात इतनी है कि उनको काफ़ी लेट हो जाएगा, यानी कि फिर वो लगभग हम जानते हैं कि 10 से 15 दिन 20 दिन में उनका कहीं लोन अप्रूव होगा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 5 दिन से लेकर के 15 दिन के बीच में उनका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाने के बाद फिर उनका स्कूटर जो होगा वो तैयार किया जाएगा, तैयार करने में 10 से 15 दिन लगते हैं, फिर डिस्पैच होगा, डिस्पैच होने के बाद फिर से 3 से 4 सप्ताह लगने वाले हैं जिसमें आपका RTO का सिस्टम होगा, उसके बाद से कहीं आपके पास आएगा। तो कुल मिला जो अगर देखा जाए तो लगभग जून के आसपास आपका टाइम लग जाता है।
तो इस हिसाब से इस प्रोसेस जिन्होंने भी लोन वाला ऑप्शन चूज किया है, मेरे हिसाब से उनको अभी वेट करना पड़ेगा लगभग जून तक का। तो अब आपको सोचना है कि अभी क्या करना है, कहीं और से लोन लेकर के आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से मैंने जस्ट अभी इसके पहले वाली वीडियो अपलोड की थी, आप उसको ज़रूर जा करके देखिएगा, नेक्स्ट डे वाली जो वीडियो है मेरी, उसमें मैंने बताया है, कस्टमर केयर से मैंने रिकॉर्डिंग कराया था ये इसी बात को लेकर के, कि यदि हम स्कूटर को मतलब अपना बुकिंग नहीं करते, फाइनल पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या हमारी पेमेंट विंडो हमारे लिए ओपन रहेगी। तो इन्होंने बताया था कि हाँ ओपन रहेगा, क्लोज भी जाए तो जब नेक्स्ट टाइम ओपन होगी तो आपके लिए फिर से ओपन कर दी जाएगी। दूसरी बात मैंने पूछा था क्या हमारे लिए पेमेंट अधिक, अगर मान लीजिए स्कूटर का रेट बाय चांस बढ़ता है तो क्या हमारे लिए पेमेंट अधिक देना पड़ेगा या हमारे लिए भी पेमेंट बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपने 499 और 20,000 दे दिए हैं तो आपका रेट वही रहने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप स्कूटर को कैंसिल ना करके वेट भी तो कर सकते हैं आप। अगर मैं वेट कर सकता हूँ तो आप तो आराम से वेट कर सकते हैं, स्कूटर चलाना ही ना है तो क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने की। आप मेरे हिसाब से अगर आप 4 से 5 महीने रुक जाएंगे तो आप अगर 20,000 रुपये महीने या 15,000 रुपये महीने इकट्ठा करें, कुछ तो आपके पास होगा ही लगभग, और कुछ बाकी इकट्ठा करके 6 से 7 महीने में आप चाहें तो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। और 6 से 7 महीने अगर आप वेट करते तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला, अगर मेरी माने तो। क्यों? क्योंकि 6 से 7 महीने में होगा क्या कि बहुत और भी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। जुलाई अगस्त तक आप वेट कर लेते हैं तो बहुत और भी ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, तो आपके पैसे जो लगेंगे अगर लगते हैं तो अच्छे चीज़ में लगेंगे तो बेटर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अलग वीडियो में बताता हूँ, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओला में अभी बहुत सारी खराबियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से अभी क्या किया जा सकता है आप सोच के देखिए। तो अगर वेट करते हैं तो आपके पास हो सकता है कि ओला ही बहुत बेटर हो जाए तब तक, तो आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि और भी नए इनसे भी बेटर कुछ कंपनी आ जाए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको वेट करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अब लोन लेकर के 1,80,000 देना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, मतलब 1,50,000 का स्कूटर 30,000 रुपये एक्स्ट्रा आप पे करेंगे केवल और केवल फाइनेंस के ऑफर में, और दूसरी बात उसको लेने के बाद भी फिर ना कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी ये काम पे हैं, ऑलरेडी कर रहे, कंपनी बदलाव कर रही है, हो सकता है सब कुछ सही हो जाए तो उसके लिए 6 से 7 महीने आपको कंपनी को देना है, तो आप क्यों गाड़ी बुक करके देंगे, ऐसे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेटर होगा और उनके लिए भी शायद ठीक ही ठाक रहेगा। अभी बहुत परेशान है लोग, डिलीवरी कर करके नहीं हो पा रहा है सब कुछ, शायद कम लोग भी बुक ही रहेंगे तो आराम से करने लगेंगे और फिर अपने सिस्टम में बदलाव कर देंगे, इनका सिस्टम काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा तो बाकी सब सिस्टम ऑलरेडी कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बात है मेरे हिसाब से। तो अगर जिन लोगों ने फाइनेंस वाला ऑप्शन चूज किया, अगर उनको लगता है कि नहीं मेरा फाइनेंस वाला ऑप्शन ही रहेगा तो आप वेट करिए, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं लेना है तो आप कहीं और से लोन लेकर के इनका स्कूटर फुल पेमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने फुल पेमेंट किया उनकी तो भाई बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उनको आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, और उनको टाइम पे डिलीवरी मिलने का आशंका है कि लगभग मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले उनका भी होगा, लगभग 1 महीने के आसपास डिले हो जाएगा। तो जिनका भी डिस्पैच डेट है अगर 31 जनवरी वाला देख लेना, अब 31 जनवरी को सबका डिस्पैच नहीं होगा तो ये 15 फरवरी 28 फरवरी तक ये हो जाएगा, फिर उनका मार्च में पहुंच जाएगा, तो डिलीवरी 1 महीने डिले हो जाती है कुल मिलाकर देखा जाए इस हिसाब से। तो चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको समझ में आए। चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ओला की कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो हमारे चैनल पर अपलोड है हर एक प्रकार की इसकी वीडियो, प्लेलिस्ट बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए और प्लेलिस्ट जाकर के ओपन करिए, ओला के लगभग 100 से ऊपर वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, टेक केयर, जय हिंद एंड।